प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन के साथ कपड़ा भी मिलेगा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन किट के साथ ही कपड़ा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी। लोगों को पेट्रोमैक्स मोमबत्ती व टॉर्च देने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केरोसिन तेल का वितरण भी कराएंगे। भोजन वितरित कराने के लिए सभी वीडियो को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि सरयू नदी करीब 47 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर है। इसी तरह राप्ती नदी एवं रोहिन नदी भी 25 दिनों से खतरे के बिंदु से ऊपर बह रही है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर से अधिक ऊपर है। ऐसे में बंधों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन पिछले 4 साल में कराए गए कार्यों के कारण स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, मंगलवार की रात 2 बंधों का निरीक्षण किया था। कुछ स्थानों से रिसाव की शिकायत थी, उसे दूर कर लिया। अब तक जिले में 181 गांव प्रभावित हैं और करीब 1,98,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अभी तक 333 नाव लगाई जा चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल मैं गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए गोरखपुर आया हूँ। नेपाल में और उत्तराखंड में अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण से सभी नदियों का जलस्तर काफ़ी ऊंचा हुआ है। सरयू पिछले 39 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राप्ती 25 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रोहिन 25 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और थोड़ा बहुत नहीं, 2 मीटर 2.5 मीटर तक खतरे के निशान से ऊपर नदियाँ बह रही हैं, जिसके कारण से बहुत सारे गाँव में पानी चला गया है। हमारे गोरखपुर के भी 7 तहसील के 20 ब्लॉक में कुल 181 गांव ऐसे हैं जो इस नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण से प्रभावित हुए हैं। और उसमें जो पॉपुलेशन वाइज प्रभाव का क्षेत्र आया है वो लगभग 1,98,000 लोग उससे घिरे हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें चारों तरफ से पानी है, कुछ गांव ऐसे हैं जिनको 3 तरफ से पानी है, कुछ गाँव ऐसे हैं जिसमें 2 तरफ से पानी है। लेकिन अभी हमारी जो 33 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, 333 नाव लगाए गए हैं, 22 स्टीमर लगाए गए हैं, 2 NDRF की प्लाटून कंपनी लगाई गई है, 1 SDRF की कंपनी लगी हुई है और जल पुलिस की 1 कंपनी लगी हुई है। ये व्यवस्था केवल गोरखपुर के लिए है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गांव नहीं निकला जिसको विस्थापित करना पड़ा हो। शहरी क्षेत्र के कुल 150 लोगों को विस्थापित करके एक राहत शिविर में रखा गया है, जिसमें लगभग 150 लोग हैं, उनकी सारी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। ऐसे गांव जिन गांवों में पानी चला गया है, उन गांव के कुछ घर जिन घरों में पानी चला गया उनको उसी गाँव में उनको शिफ्ट किया गया है। राहत पैकेट का वितरण किया जा रहा है, मेडिकल टीम गठित की गई है और 37 मेडिकल टीम लगाए गए हैं। इसके अलावा PSC और CSC के लोग लगे हैं, क्लोरीन की गोली, पैरासीटामॉल की गोली, वायरस का घोल और उसका किट बना करके देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके साथ साथ पशुओं के लिए उनके चारे की व्यवस्था और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है। आज के अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने बैठक किया है और छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, राहत पैकेट, दोनों प्रकार के राहत के पैकेट और फूड पैकेट के साथ साथ जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े की भी व्यवस्था किया जाए। ऐसे महिलाओं के लिए साड़ी और लोगों के लिए अंडरवियर, बनियाइन, लुंगी, गमछा और बच्चों के कपड़े की व्यवस्था हो और गांव में प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। जो गांव पानी से गिर गए हैं वहाँ पर जहाँ पहुँच सकते हैं लोग, जनरेटर की व्यवस्था कराने के लिए कहा है और पेट्रोमैक्स के साथ, इमरजेंसी लाइट के साथ टॉर्च, लालटेन और मोमबत्ती ये भी देने के बारे में आज हम लोगों ने निर्देशित किया है कि हम सब लोग उन गांवों में समुचित प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ सभी गांवों में गश्त के लिए बीट इंचार्ज और सिपाही मोबाइल सेट के साथ उन गांवों में गश्त भी करेंगे। मोबाइल की बैटरी चार्ज हो इसके लिए चार्जर भी गाँव-गाँव में देंगे, जिससे लोग संवाद स्थापित कर पाए। जो नाव की व्यवस्था हुई है देख करके एक बार उन नाव के माध्यम से गांव में जा करके वहीं पर ग्राम विकास अधिकारी और गांव के जो सेक्रेटरी हैं, निगरानी समितियों के साथ और प्रधानों के साथ बैठ करके उनकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे और जिसकी जो डिमांड होगी उसको पूरा करेंगे। हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान, गाँव की समस्या गाँव में ही समाधान हो, उसके लिए वीडियो स्तर पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई है।
और हम लोगों ने आज तय किया है कि वीडियो अपने स्तर पर किचन चला करके वहीं पर खाना बना के और गांव-गांव में खाने का वितरण भी कराएं, जिनके घर में खाना नहीं बन सकता उनको भोजन उपलब्ध हो, यह व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अच्छी बात यह है कि सरयू का पानी भी धीरे धीरे घट रहा है और आज रोहित का पानी भी अब घटना प्रारंभ हो गया है। दो तीन चार दिनों में धीरे धीरे करके पानी घटेगा और जिन गाँव में पानी चला गया वहाँ से पानी निकलेगा, फिर लोग सुरक्षित हो जाएंगे। हमारे विधायकगण भी थे, इन लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, बहुत अच्छे ढंग से जिला प्रशासन लगा हुआ है, सभी अधिकारी लगे हुए हैं, सिंचाई विभाग के लोग भी बंधे पर हैं, बहुत सारे बंधे पुराने बने थे, 20-20 साल के बंधे हैं और 25-25 दिन से पानी भरे होने के कारण से बंधे निश्चित रूप से गीले हुए हैं और उसके कारण से कहीं कहीं रिसाव था, लेकिन उन सभी पॉइंटों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ से सारी निगरानी कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर आए, कल रात को मैं मनीराम बनरहा पर गया था, माधोपुर पर गया था, अभी हम लोग मलौनी पर जाने वाले हैं, तो ऐसे बंधों के देखने के लिए भी मैं गया था। हमारे विधायकगण जनप्रतिनिधिगण भी पूरी तरीके से लगे हैं, पूरी पार्टी लगी है और आप सबके सहयोग और शुभकामना के कारण सब कुछ सुरक्षित है। पानी स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा हो गया है, पिछले बता रहे हैं कि 2017 और उसके पहले के जो रिकॉर्ड है उसको भी पानी तोड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, राप्ती मैया की, सरयू मैया की और रोहिणी मैया की कृपा है कि सब कुछ अभी तक सुरक्षित है और आगे भी प्रभु की इच्छा है कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा। बहुत धन्यवाद। और उसका प्रतिफल इतना है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तब से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश के बाढ़ बचाव का पैसा मार्च और अप्रैल महीने में मिलता था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो पैसा जनवरी माह में दिया और यहाँ की जितनी परियोजनाएं थी 27 परियोजना 215 करोड़ रुपए लगा करके समय से पहले मानसून से पहले सभी कामों को हम लोगों ने पूरा किया है और उसी का प्रतिफल है कि 22 लाख क्यूसिक पानी राजस्थान से छूटने के बाद, 5 लाख क्यूसिक पानी मध्य प्रदेश से छूटने के बाद सारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। बहुत सारे स्टेट तबाह हुए लेकिन मेरा उत्तर प्रदेश बचा हुआ, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो काम हुआ है इसके पहले ऐसा कभी ऐतिहासिक काम नहीं हुआ। 170 परियोजना का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, 242 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तरकुलानी पंप को स्टार्ट किया, बाढ़ बचाव के सभी कार्यों को मानसून से पहले हम लोगों ने पूरा किया और जिन कार्यों को हम लोगों ने किया वो सब कार्य आज पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उसके कारण से हमारा उत्तर प्रदेश भी सुरक्षित है। ऐसा नहीं होता, आप भी बहुत अच्छे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जब सरयू का पानी बहता बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से राप्ती का पानी जितनी तेजी से उसमें जाना चाहिए उतना तेजी से नहीं जाता है, ऐसे जब गंगा का पानी बढ़ता है तो सरयू जितना तेजी से जाना चाहिए उतना तेजी से नहीं जाती है, ये बात कहना ठीक होगा। ये बात कहना कि उसका पानी इसमें आता ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि जैसे राप्ती बढ़ती है तो रोहिन का पानी उतना तेज राप्ती में नहीं आ पाता और राप्ती का पानी उतना तेजी से सरयू में नहीं जाता। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा कि सरयू अब धीरे धीरे घट रही है जिसके कारण राप्ती तेजी के साथ अब पानी जाएगा तो रोहिन का पानी भी घटना शुरू हो गया। ये सब एक दूसरे से लिंक है और एक का पानी दूसरे में जाने का सब्जेक्ट नहीं है लेकिन उतनी तेजी के साथ पानी निकलने का सब्जेक्ट है। 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ बचाव के काम हुए हैं अब तक के इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा काम नहीं हुआ और आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, गोरखपुर में रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि बाढ़ बचाव के कार्यों के दृष्टि से चाहे ड्रेजिंग का विषय हो चाहे नालों की सफाई का विषय हो 40,000 किलोमीटर पहली बार हम लोगों ने गांव-गांव में जो जल भराव होता था पूरे उत्तर प्रदेश में नालों की सफाई किया। हम लोगों ने नए नए प्रोजेक्ट लिए, विधायकों और सांसदों से पूछ करके संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों को लिया और उन सब कारणों से आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। जहाँ तक आपका सब्जेक्ट है कि बंधे को उठाने का बात है, बंधे के सुदृढ़ करने की बात है, हम लोग कल बंधे पर गए थे, बंधे के उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने देखा है, जहाँ कहीं जरूरत होगी उस काम को भी आगे हम लोग करेंगे। स्वाभाविक है, हमने आपसे बताया कि जलस्तर जब 2.5 मीटर 3 मीटर जलस्तर किसी भी नदी का बढ़ेगा तो सब जगह पर पानी जाएगा। बारिश का पानी नहीं है, पीछे का पानी, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये सब पानी आ रहा है नेपाल और कोई भी पानी कहीं का आ रहा है, चाहे बरसात का आ रहा हो चाहे पीछे का पानी, पानी तो पानी है। और बारिश कितनी हुई है आपने जानते हैं, पिछली बार आज की तारीख तक जो बारिश थी 1028 मिलीमीटर थी, आज की तारीख में 1300 मिलीमीटर बारिश क्रॉस कर चुकी है अभी तक और सभी जगहों पर 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बारिश हुई है। तो स्वाभाविक रूप से अगर बारिश ज़्यादा हो रही है और पीछे से पानी आ रहा है
आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पानी आएगा और जलस्तर बढ़ेगा तो पानी जाएगा, लेकिन उसकी पूरी निगरानी हम लोग कर रहे हैं, अच्छे ढंग से जितनी कोशिश है भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मानसून से पहले मैं सभी बंधों की आकर के निगरानी किया था। मैं पहला मंत्री बना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, हर जिले जिले में मैं जाकर के देखा। भारत सरकार के मंत्री हैं, हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, लेकिन प्रकृति से अभी तक तो दुनिया में कोई नहीं हुआ कि जो लड़ सके। तो प्रकृति ने अगर इतना पानी दिया है, बाकी कुछ हुआ है, तो हम लोग उसके बाढ़ बचाव का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। रात को भी मैं बंधे पे खड़ा था, अभी मैं आपके बीच में बैठा हूँ, सवेरे से बैठक कर रहा हूँ, अभी तीसरे बंधे पर मैं जा रहा हूँ। आप सबका सहयोग रहेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं रात के 10 बजे 10:30 बजे उसी बंधे पे खड़ा था, उसी पॉइंट पे खड़ा था, पूरा बंधा में देख करके आया। स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज़ आप अपना घर भी बनाते हैं, अगर 20 साल 25 साल पुराना होता है तो धीरे धीरे करके चीज़ें जर्जर होती हैं। कल हम लोगों ने उसकी प्लान किया है, आगे भविष्य में उसको अच्छा करेंगे, लेकिन जहाँ रिसाव था, लीकेज था, वो सब ठीक हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है। पूरा विभाग लगा, हम सब लोग लगे, जहाँ कहीं कोई समस्या आएगी उसका त्वरित निदान करेंगे। और पूरी जनता जनार्दन से आपके माध्यम से मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार निर्देशानुसार हम सब लोग लगे हुए, किसी को डरने घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था उसको नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा किया, और आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की धरती उससे बहुत बड़ा लाभ लेने जा रही है। पहला नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा हम लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, काम शुरू होने जा रहा है, और केन बेतवा को जोड़ने के कारण से पूरा बुंदेलखंड हमारा पानी पानी हो जाएगा, जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या था उसका समाधान हो रहा है, और इसके बाद अन्य नदियों के जोड़ने की कार्रवाई शुरू हो रही है। थैंक यू।